देपालपुर थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद युवक को मौत के घाट उतारा था। 7 अक्टूबर को देपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडला में पुलिया के नीचे पुलिस को अज्ञात युवक का शव मिला था। पुलिस ने बारीकी से छानबीन की तो पता चला कि युवक से मारपीट कर उसे यहां पटका गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त क्षेत्र के ही रहने वाले शाहिद के रूप में हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक शाहिद का आरोपियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इसी के चलते उसकी हत्या की थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। लगातार कई लोगों से पूछताछ और मुखिया द्वारा जो सूचना मिली उसके आधार पर दो युवक विपुल और कुणाल को पकड़ा और उनसे कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों ने जो घटनाक्रम बताया उस प्रकार है कि कुछ दिन पूर्व कुणाल के साथ में मृतक साहिद का विवाद हुआ था। मृतक बहड़िया गांव तक घूमने आता था तो एक बार उन्होंने उसको बोला कि भाई तू इतना घूमता रहता है, तूने अपना कोरोना का टेस्ट कराया क्या? और इसी विवाद पर साहिद ने कुणाल के साथ में गाली गलौज कर विवाद किया था। 6 तारीख की रात को मृतक इन दोनों को अकेला दिखा, इसी बात पर से लेकर उनका आपसी विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने वहीं पास में बहुल की लकड़ी उठाकर मृतक के साथ में मारपीट कर दी और उसके बाद वो भाग गए। इस प्रकार एक अंधी हत्या का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी देपालपुर सुश्री वीणा कणावत तथा उनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। इसको पूरी टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है।